वेलकम व्यूअर्स, आज का जो वीडियो था वो मोबाइल J26 का जो ओवरहीटिंग प्रॉब्लम होता है, देखिए जो ऐसे टाइप का प्रॉब्लम है, अब उसको स्क्रीन पे दिखाई देगा आपको। ऐसे हीटिंग होता है, उसके बाद फ़ोन 1 मिनट या 30 सेकंड के बाद ऑफ हो जाता है अपने आप और हैंडसेट ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, तो ऐसे के लिए एक अनोखा सॉल्यूशन है मेरे पास, जो कि जो सोल्यूशन आपको यूट्यूब में कहीं पे भी नहीं मिलेगा अभी। तब देख सकते हो, इसे मैं खोल रहा हूँ अभी। इस हैंडसेट को मैंने पहले एक बार खोला था, इसी का कारण है आसानी से खोल रहा है, पर इससे फास्ट टाइम खोलने के लिए थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा। सर्किट खोलने का टाइम थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा। इसे कैमरा रिमूव करके रख दीजिए। ये जो ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम होता है, एक्चुअली होता है, यहाँ पे आपको एक आईसी दिखाई देगा। ये जो आईसी आपको दिखाई दे रहे काला रंग का, ठीक है, क्रिस्टल आईसी है, ये आईसी से प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये जो आईसी आपको दिखाई दिया, ये आईसी आपको रीहॉट करने से, या तो ये आईसी आपको रीहॉट करना पड़ेगा, और नहीं तो इसको आप रिमूव करने से भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम आप इसे रीहॉट कर लीजिए, शायद आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखना वीडियो एंड तक देखिए, थोड़ा टाइम लगेगा पर वीडियो आप एंड तक देखिए, नहीं तो आपका कई सॉल्यूशन मिस हो जाएगा। पर थोड़ा पेस्ट डाल देते हो, अगर आप बिना पेस्ट के काम करेंगे तो आपका सर्किट फूट सकता है। और साथ में ख्याल रखना पड़ेगा, इसके साथों साथ सीपीयू है, कई सीपीयू के ऊपर हीट ना आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा केयरफुली काम करना पड़ता है, बहुत ही रिस्की सेक्शन है ये। इसके ऊपर हीट देना है जो आईसी प्लेस करने के लिए, वो आपको ख्याल रखना चाहिए, अगर ज़्यादा हीट हो तो खराब हो जाएगा ये सेक्शन टोटली। आईसी प्लेस करने के बाद थोड़ा सा सोल्डर निकल कर आया है। ठीक है, ये भी ख्याल रखना है ये कहीं शॉर्ट ना हो जाए, इसे थोड़ा साफ कर देता हूँ।
इसे थोड़ा क्लीन कर देता हूँ मैं। तो आप देख सकते हो ये जो आईसी है परफेक्टली प्लेस करके मैंने बिठा दिया है यहाँ पे, शायद इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी चेक करके देख रहा हूँ मैं। फर्स्ट टाइम जब ये मोबाइल फ़ोन का प्रॉब्लम आया था तो ये प्रॉब्लम एक मोबाइल फ़ोन ने मुझे ठीक करने में लगभग 2.5 घंटे लग गए। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम मुझे पता है, उसके कारण आज जल्दी कर दिया मैंने। तो आपका भी शायद प्रॉब्लम सॉल्व होगा। देखिए ये तो फिलहाल अब तक नहीं आ रहे हैं, मैं चार्जर भी कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। ऐसे प्रॉब्लम है आपका, जब आप जब चार्जिंग कनेक्टर करोगे तो यहाँ पे चार्जिंग पोस्ट आएगा, आपका चार्जिंग भी अभी कम करेगा। देखिए चार्ज भी हो रहा है बराबर, ठीक है। किसी भी एप्लीकेशन में भी घुस सकते हो। ये प्रॉब्लम फाइंड हो चुका है। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे नहीं होता तो आईसी को आप रिमूव कर दीजिए, और घबराए मत, ये आईसी चेंज करने से आपका कुछ भी ख़राब नहीं होगा। पर याद जरूरी याद रखना कि उसके साथ में सीपीयू है, सीपीयू पे कहीं पे हीट नहीं आए, ठीक है, थोड़ा केयरफुली काम करना पड़ता है। तो ऐसे आप कर सकते हो J26 सैमसंग का J26 जो मॉडल है उसका ओवर हीटिंग सॉल्यूशन, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।